हमने कहा है कि शांति की फौरी तौर पर आवश्यकता है, शांति न्याय के साथ। यही हमने गवर्नर साहिबा को भी कहा और उनकी संवेदनाओं से हमारा भी दिल भर गया। हमने सिर्फ समुदायों के बीच में रिश्ते की पुनर्वापसी की मांग की है, क्योंकि शांतिपूर्ण सहअस्तित्व के अलावा मणिपुर हो या मध्य प्रदेश हो, कहीं भी कोई दूसरा विकल्प नहीं। हालात खौफनाक, दर्दनाक, पीड़ादायक, सामूहिक पीड़ा का क्षण है और देश को एक स्वर में संदेश देना होगा कि ये पीड़ा व्यक्तिगत भी है और सामूहिक भी है। बातचीत से सब ठीक हो पर गवर्नर भी क्या करेंगे। हमने कहा कि हम ऑल पार्टी डेलीगेशन चाहते थे पर सरकार नहीं मानी, तभी हम और इंडिया अलायंस से आए। उनका भी कहना है कि राजनीति से ऊपर उठकर मणिपुर के समस्या का समाधान होना चाहिए। तो हमने उनको कहा है कि आप सरकार को बोलिए हम तैयार, प्रधानमंत्री जब आएंगे पार्लियामेंट में तब बात रखी जाएंगी, उनका आना जरूरी है। वो तो आए नहीं राज्यसभा में ना लोकसभा में। लोग यही कह रहे हैं कि उनकी आज भी वो शिविर में है, 3 महीने हो गए, उनको कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, उनका भविष्य आज भी अंधकार में है और लोगों के बीच में जो अशांति और अविश्वास का जो वातावरण है उसको लेकर राजनीतिक दलों को आगे बढ़ना चाहिए। लोगों ने स्वीकार किया, हमको स्वागत किया जो इंडिया लाइन से हम जो गए हैं, तो हम तो चाहते हैं कि इससे और बड़ी मुहिम, आज जो हमने पहल की, हमारे पहल को देखकर अब एनडीए पार्टीज और प्रधानमंत्री इस रास्ते पर चले। सरकार की तरफ से कोई ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे हैं, चाहे वो राज्य की सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो। बड़े ताजुब की बात है, बड़े बड़े बात तो दिल्ली में कहे जाते हैं, देश की बाहर भी बड़े बड़े बात कहे जाते हैं, हम लोग क्या करें। लोगों की घर में खाना नहीं है, दवाई नहीं है, बच्चों की पढ़ाई की कोई इंतजाम नहीं है, कॉलेज स्टूडेंट कॉलेज में जाने नहीं पा रहे हैं। सारे मणिपुर में 2 गुटों के बीच जो झगड़ा चल रहे हैं, इस झगड़ा से इनको वापस लाने के लिए कोई कोशिश नहीं किए जा रहे हैं। वी हैड एन इन डेप्थ स्टडी ऑन द डेवलपमेंट ऑफ इट। वी आर इन ब्रीफ व्हाट वी आर सेइंग इज द सिचुएशन देयर इज रियली हेलिश, पीपल आर सफरिंग लाइक एनीथिंग। So we will consolidate all of our findings and submit it, and we will make use of that in the parliament discussion also. No, there is no political will, and the government is not ensured that there is peace there as yet. And even yesterday in Bishnupur, after we visited there, I think there has been no incidents of attack and firing. Women are sitting in dharna in different parts of the places, and more than that, students cannot go back to colleges, universities are not working, schools are not there, and camps are in a pathetic condition. It's really bad. Yes. No, we have expressed our concern to the governor, and the governor has said that she is also very concerned about what is happening there, and she also wants us to tell the union government about what we've seen.